ऑफ मिक्सिंग ऑफ वाटर टू a concentrated एसिड इज कॉल्ड dilution. यानी कि concentrated एसिड में जैसे वाटर को जब मिक्स किया जाता है तो ये प्रोसेस dilution कहलाता है जबकि हम लोग कंसनट्रेटेड एसिड में water नहीं मिक्स करते वाटर में कंसनट्रेटेड एसिड को हम लोग डालते हैं ठीक है तो हियर सी दिस वन डायलूशन ऑफ कंसनट्रेट इज हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन द हीट प्रोड्यूस्ड इज सो लार्ज दैट द सल्यूशन में स्प्लैश आउट देखिए डायल्यूशन ऑफ कंसनट्रेटेड एसिड इज हाईली एक्सोथर्मिक ये बहुत ही हाईली एक्सोथर्मिक यानी हीट बहुत ज़्यादा इवॉल्व होती है द हीट प्रोड्यूज इज सो लार्ज दैट द सोल्यूशन में स्प्लैश आउट सोल्यूशन बाहर तक फेंक सकता है स्प्लैश आउट मतलब बाहर फेंक देना है स्लो डाउन द एक्सोथर्मिक प्रोसेस डायल्यूशन ऑफ कंसनट्रेट इज ऑलवेज डन बाई एडिंग एसिड इन टू वाटर एंड नॉट वाटर इन टू एसिड एसिड को हम लोग वाटर में मिलाते हैं ना कि वाटर को एसिड में यदि हम वाटर को एसिड में मिलाएंगे तो इमीडियटली इट विल इज फ्लैश आउट बट इफ़ वी आर गोइंग टू मिक्स एसिड इन टू वाटर विद द हेल्प ऑफ स्टरर स्लोली ड्रॉप बाई ड्रॉप एंड कंस्टिन्यूसली स्टरिंग द सल्यूशन इट विल भी इजिली मिक्सड और इट विल भी इजिली डायल्यूटेड तो स्टरिंग क्यों करते हैं स्टरिंग इसलिए करते हैं कि जो एनर्जी प्रोड्यूस हो वो डिसिपेट हो जाए फैल जाए स्प्रेड आउट हो जाए चारों तरफ ठीक है तो दिस इज कॉल्ड डायल्यूशन अब इसका इफेक्ट क्या होता है इफेक्ट ऑफ डायलूशन ऑन एच प्लस आयन ऑफ एन एसिड एच प्लस आयन पर इफेक्ट क्या होता है एसिड का ऑन डायल्यूशन द एच प्लस आय इन द सल्यूशन डिक्रीजेस सल्यूशन में एच प्लस आयन की संख्या कम हो जाएगी अब एच प्लस आयन की संख्या कम होने का मतलब क्या है यहाँ पर जैसे आपके पास कोई सर्टेन अमाउंट में एसिड था उसमें सपोज हंड्रेड एच प्लस आयन थे अब उसमें आपने वाटर मिला दिया तो एच प्लस आयन की संख्या पे कोई फर्क नहीं पड़ा लेकिन वॉल्यूम में पहले हंड्रेड एम में यदि हंड्रेड आयंस थे अब 150 फिफ्टी में 100 आयन्स हैं तो वॉल्यूम के कंपैरिजन में उसका H प्लस आयन का कंसंट्रेशन घट गया दैट इज द मीनिंग हियर इन द सॉल्यूशन डिक्रीजेज एंड द सॉल्यूशन बिकम्स लेस एसिडिक अब चूंकि पूरे वॉल्यूम में उसका H प्लस आयन की संख्या घट गई इसलिए वो आयन क्या सोल्यूशन क्या हो गया लेस एसिडिक हो गया दैट इज द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड डिक्रीज एसिड का स्ट्रेंथ जो होता है वो डिक्रीज करने कर जाता स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डायलूशन ऑफ एन एसिड एंड स्ट्रेंथ ऑफ एसिड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डायलुशन ऑफ एन एसिड ठीक है डायलूशन ऑफ एसिड के इनवर्सली प्रोपोर्शन यानी कि डायलूशन ऑफ एसिड यदि बढ़ाया जाएगा तो ये घटेगा स्ट्रेंथ और ये यदि घटाया जाएगा तो ये स्ट्रेंथ बढ़ेगा ये हो गया मेरी क्वेश्चन इज हियर व्हाई द वेसल यूज्ड टू स्टोर सोर्स सब्सटेंसेस इन किचन आर कोटेड विथ टिन जो वेसल्स यूज करते होते हैं अपने किचन में किए जाते हैं सोर मीन्स खट्टे सब्सटेंसेस को स्टोर करने के लिए वो टिन से क्यों कोटेड होते हैं क्वेश्चन ये इन ट्रेडिशनल किचन्स कॉपर एंड ब्रास वेसल्स आर यूज्ड इवन टुडे कॉपर और ब्रास के वेसल आज के डेट में भी यूज़ किए जाते हैं इफ कर्ड और अदर सर सब्सटेंसेज आर एसिडिक इन नेचर आर इन दीज वेसल्स इसमें जब रखे जाते हैं तो दे रिएक्ट टू फॉर्म टॉक्सिक कंपाउंड यानी ब्रास के वेसल में यदि रखा गया तो इमीडिएटली ये एसिडिक सब्सटेंसेज उनसे रिएक्ट कर जाते हैं और रिएक्ट करके एक टॉक्सिक यानी कि जहरीला कंपाउंड का फॉर्मेशन कर ले कर देते हैं जो हमारे फूड स्टफ को खाने योग्य नहीं रखता है ठीक है अनफिट फॉर कंजम्पशन

हार्मफुल बैक्टीरिया पहुंच जाते हैं खाने के साथ उनको किल करने का काम करता है विनेगर एसिटिक एसिड इज यूज इन द पिकलिंग ऑफ फूड एज अ मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ फूड पिकलिंग आप जानते हो अचार वगैरह बनाना उसके लिए यूज़ किया जाता है